टोस्ट जिसे हम रस्क बोलते हैं, इसे बनाने के लिए मेनली तीन मशीन यूज में आती है, जिसमें कि सबसे पहले है ये डो नीडर मशीन। इस मशीन का काम होता है आटा गूंथना। बेकरी बिजनेस में आप चाहे टोस्ट बनाएं, ब्रेड बनाएं, बिस्किट बनाएं या फिर बंस, मेन काम होता है आटा या फिर मैदा गूंथने का। बताइए होता है कि नहीं, टोस्ट बनाने के लिए मैदा काफी मुलायम गूंथते हैं, लेकिन इसे मुलायम बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पर ये मशीन कितने बेहतरीन तरीके से मैदा गूंथ रही है, आप इसकी प्रोसेस लाइव देख सकते हैं। ये मशीन कई वेरायटी में आती है। यदि आपका बजट कम है तो आप 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो और यहाँ तक कि 100 किलोग्राम कैपेसिटी की भी ले सकते हैं। जैसा आपका बजट अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग आप मशीन लीजिए। तो बेकरी बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो मशीन यूज में आएगी वो यही है आटा गूंथने की मशीन। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये 50 किलोग्राम कैपेसिटी की है। आप इसमें एक बार में ही 40 से 45 किलोग्राम आटा या फिर मैदा वगैरह गूंथ सकते हैं। बाकी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग मशीन मिल जाएगी। इसमें 2 HP का मोटर लगा हुआ है तो मशीन काफी पावरफुल है। इसका वजन देखा जाए तो मशीन लगभग 170 किलोग्राम की है। बहुत बड़े साइज की भी नहीं है तो एक छोटे से स्पेस में आसानी से आ जाएगी। यहाँ पर हमारा आटा गूंथ रहा है, इसको गूंथने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। अब जैसे ही ये गूंथ कर तैयार हो जाएगा तो इसको नेक्स्ट प्रोसीजर में लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं। टोस्ट बनाने के लिए हम इसके मोल्ड के साइज के हिसाब से वेट करते हैं, इसको नापते हैं। नाप करके हम अलग अलग, जैसा कि आपको मोल्ड दिखाई दे रहा है, ये हमारे टोस्ट या फिर ब्रेड के मोल्ड हैं। एक ही मोल्ड से दोनों चीजें तैयार हो जाती हैं। एक में 5 मोल्ड दिए जा रहे हैं। इसमें हम अपनी लोई का वेट करके लंबा लंबा साइज में डो बनाकर इस मोल्ड में रखते हैं। थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे कि यह मोल्ड के आकार में आ जाए। तो अभी आप देख रहे हैं इसको हम मोल्ड के साइज के हिसाब से प्रेस कर रहे हैं ताकि ये मोल्ड का आकार ले ले। जितने भी मोल्ड हैं इन सभी में हम सेम प्रेस करेंगे, सेम प्रेसिंग करते हैं। इसी तरह से यदि आपको बंस बनाना है तो बंस का मेजरमेंट करके बंस के मोल्ड में डालना पड़ेगा। बिस्किट बनाते हैं तो बिस्किट का प्रोसीजर करना पड़ेगा। और इसके अलावा बेकरी बिजनेस में आप जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको मोल्ड चेंज करना पड़ेगा, बाकी आप हर तरह के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए इन सभी मोल्ड में डो डालकर प्रेस कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखें, डो एकदम बराबर प्रेस करें जिससे कि बेक होने के बाद एकदम बराबर साइज आए। अभी देखिए इन सभी मोल्ड में डो रख दिए हैं। अब इसको ढक्कन से पैक करेंगे। पैक करने के बाद इसे ओवन में रखते हैं और रखने के बाद जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो ये कुछ इस तरह के शेप में आ जाता है। ओवन में रखने पर इसमें बेकिंग प्रोसेस होती है जिससे कि ये फूल कर ऊपर आ जाते हैं। अब आइए हम आपको ओवन दिखाते हैं। ये हमारा ओवन है, इसे हम रोटरी ओवन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने का सिस्टम मिल जाता है और इसी PLC पैनल में आप बेकिंग टाइम और वोल्टेज वगैरह देख सकते हैं। रोटरी ओवन में जब आप इसके अंदर ट्रे देखेंगे तो इसका ट्रे और ट्रॉली दोनों रोटेट करता है, इसलिए इसको रोटरी ओवन कहते हैं। ये 84 ट्रे का ओवन है, मतलब आप एक बार में ही 84 ट्रे रख सकते हैं। ये वुडन ओवन है जो लकड़ी से ऑपरेट होता है। यदि आपके पास लकड़ी नहीं है तो आप इसे गैस से चला सकते हैं, गैस भी नहीं है तो डीजल से चला सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इस तरह के इलेक्ट्रिक ओवन का भी यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल करंट से चलती है। आपको हर तरह के प्रोडक्ट कंपनी से मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही हमारा डो तैयार हो जाता है, ओवन में अच्छे तरीके से बेक हो जाता है, तो इसे टोस्ट कटर मशीन में डालते हैं। ये टोस्ट कटिंग करने की मशीन है, इसमें हम टोस्ट की कटिंग करते हैं। अभी आप देखिए हमारे मोल्ड से जो भी शेप निकला है उसे डायरेक्ट हमने कटर मशीन में डाल दिया है और ये मशीन लगातार टोस्ट के साइज में स्लाइस कर रहा है। इसमें बहुत सारे शार्पी ब्लेड लगे हुए हैं जो लगातार अप डाउन मूव कर रहे हैं, इससे टोस्ट की कटिंग हो रही है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मोल्ड से निकाल कर जैसे ही इसमें लगा देंगे यह मशीन कंटिन्यू अपने स्पीड में चलती रहेगी और स्लाइसिंग करती जाएगी। इन सभी टोस्ट का आप साइज़ देख सकते हैं, सभी एकदम बराबर साइज़ में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई टोस्ट मोटा हो गया है तो कोई पतला, सभी एकदम बराबर थिकनेस में है तो साइज़ बिल्कुल मेंटेन रहती है। इसका साइज एडजस्टेबल है, सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। इसका मतलब आप जितने थिकनेस में टोस्ट निकालना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। ज़्यादातर मार्केट में 12 mm चलता है। यदि आप कम यानी कि 9 mm, 10 mm या फिर अधिक 13 mm या फिर 14 mm में निकालना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। सबसे बेहतरीन फीचर तो यही है। अभी देखिए मशीन लगातार स्लाइसिंग कर रही है। इसमें 0.5 HP का मोटर लगा हुआ है जिससे कि स्लाइसिंग हो रही है। इसमें आप ब्रेड और टोस्ट दोनों तरह की चीज़ें स्लाइस कर सकते हैं। यदि इसका कैपेसिटी देखा जाए कि एक घंटे में कितना स्लाइस करेगी तो इसमें आप सिर्फ एक घंटे में 100 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक ब्रेड या फिर टोस्ट स्लाइस कर सकते हैं। अभी देखिए जितने भी डो इस टोस्टर कटिंग मशीन में डाले थे इन सभी की स्लाइसिंग हो चुकी है। अब इसे हम निकालते हैं और निकाल कर कुछ इस तरीके से हम ट्रे में लगाते हैं।
इस तरह लगाने के पीछे का रीजन ये है, इसे हम फिर से ओवन में डालेंगे। दोबारा ओवन में डालने पर ही टोस्ट में जो क्रंचीनेस वाला स्वाद होता है वो इसमें आ पाएगा। अभी आप देखिएगा कैसे बिल्कुल क्रंची टोस्ट बनकर तैयार होता है। कुल मिलाकर यदि इसका प्रोसेस देखा जाए तो जब आप एक बार डो ओवन में रखते हैं तो वहां पर ब्रेड बनकर तैयार होता है जो कि सॉफ्ट रहता है। इसी टाइम पर इसकी कटिंग करते हैं, यदि हार्ड हो जाएगा तो वो बराबर शेप नहीं आएगा, और फिर इसे दोबारा ओवन में रखते हैं जिससे कि बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। कुछ देर ओवन में रखने के बाद ये देखिए बिल्कुल क्रंची टोस्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी यहाँ पर इसकी पैकिंग की जा रही है। गर्मी के मौसम में तो चल जाएगा, आप इसे रख सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में जल्दी पैकिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें उमस आ जाती है। यहाँ पर आप पैकिंग की प्रोसेस भी देख सकते हैं किस तरीके से पैक किया जाता है। एक्चुअली इन सभी ट्रे में एक एक टोस्ट को निकाल कर गिनते हैं और गिनने के बाद इसे पैक करते हैं। पैकेट का साइज आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं कि आप कितने साइज में पैक करना चाहते हैं। अलग अलग साइज में पैक करिए जिससे कि आप अलग अलग रेट में बेच पाएं। इन सभी पैकेट में भरने के बाद इसे सील किया जाता है, और सील करने के लिए आप हैंड सीलर, बैंड सीलर और ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन भी ले सकते हैं। ये सारी मशीन आपको क्रिएचर इंडस्ट्री मिल जाएंगी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जिस भी मशीन से आप पैक करना चाहें क्वालिटी बिल्कुल सेम मिलने वाली है, बस वहाँ पर मेहनत थोड़ा कम हो जाएगा। अभी देखिए टोस्ट एकदम से पैक हो चुका है, इसका बंडल बना लीजिए। अभी ये मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप अपने आसपास के होलसेलर या फिर रिटेलर के पास भेज सकते हैं और वहां से कस्टमर डायरेक्टली खरीद लेंगे। तो यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करके इन सभी मशीन्स का प्राइस और हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यदि आप घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो कंपनी 25% की बुकिंग कॉस्ट पर ही मशीन भेज देती है। बाकी का पेमेंट जब आपको मशीन रिसीव हो जाए तब आप कर सकते हैं, तो देर मत करिए। सिर्फ टोस्ट बनाने की मशीन ही नहीं, एक बार आप हमारे चैनल में विजिट करिए क्योंकि यहाँ पर फूड मशीन से जुड़ी, फिर चाहे बात की जाए पोहा इडली डोसा की या जलेबी चाय समोसा की, हर एक एक चीज बनाने की ऑटोमेटिक मशीन से अवेलेबल है। तो एक बार जाइए, विजिट करिए, हमारे कहने पे नहीं अपने से जाइए, हो सकता है कोई एक मशीन आपका बिजनेस खड़ा कर दे। स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में नहीं तुरंत करिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसे ही नई नई मशीन्स की वीडियो पहुंचती रहे। स्क्रीन में आपको केक बनाने की वीडियो दिख रही है, इसे आप जरूर देखिए, बहुत ही जबरदस्त मशीन है।